नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दोस्तों एक और नवीनतम सूचना आपके लिए लेके आओ, जिसमें आपने थंबनेल में देख लिया कि राजस्थान में नवीनतम जो शिक्षक भर्तियां हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती होगी या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती होगी दोस्तों, इसी के साथ साथ जो रीट अध्यापक लेवल वन और अध्यापक लेवल टू जो भर्ती है दोस्तों, उनमें कितने पद दोस्तों यहाँ पे रह सकते हैं दोस्तों, कितने पदों पर 2024 में नवीनतम वैकेंसियों की घोषणा हो सकती है, साथ ही साथ दोस्तों पदों का वर्गीकरण क्या रहने वाले हैं, वर्तमान तक दोस्तों यहाँ पे रिक्त पद कितने हैं, मतलब जुलाई 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कितने पदों पर दोस्तों यहाँ पे डीपीसी होने वाले और कितने पदों पर यहाँ पे सीधी भर्ती होने वाले। दोस्तों कंप्लीट वीडियो हम जानने वाले, तो वीडियो पे नए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी अगली वीडियो में सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम जो सूचनाएं हैं उनसे अपडेटेड रह सकते हैं। तो उसको तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि लगातार आपको सूचनाएं यहाँ पे दोस्तों मिलती रहे। और साथ ही ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपकी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स है पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों बिना देरी के चलते बात करते हैं अध्यापक लेवल जो दोस्तों यहाँ पे जो भर्ती है दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में नवीनतम जो शिक्षक भर्ती है, जिनकी दोस्तों यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट यहाँ पे आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे करवाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले स्कूल व्याख्याता भर्ती दोस्तों यहाँ पे डीपीसी कितने पदों पर होने वाले, साथ ही कितने पदों पर यहाँ पे 2024 में दोस्तों यहाँ पे नवीनतम वैकेंसी जारी की दोस्तों हो सकती है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कितने पद यहाँ पे दोस्तों वर्तमान तक रिक्त है, टोटल कुल रिक्त पदों की बात करेंगे कि टोटल वर्तमान तक रिक्त पद कितने हैं, साथ ही जो द्वितीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती है उसमें टोटल पद कितने रिक्त हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही अध्यापक लेवल जो दोस्तों वन लेवल टू जो दोस्तों दोनों की बात करेंगे, कितने पद यहाँ पे रिक्त हैं, नई भर्तियां कब आ सकती हैं दोस्तों, कितने पद यहाँ पे संभावित पदों का वर्गीकरण कंप्लीट डिटेल से हम जानने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे दोस्तों। ये दोस्तों नवीनतम जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा विभाग में 4 साल से यहाँ पे डीपीसी बकाया दोस्तों यहाँ पे 4 साल से दोस्तों आप यह कह सकते हैं कि 4 सत्र से यहाँ पे दोस्तों डीपीसी बकाया है। बात करते हैं डीपीसी होती क्या है, तो डीपीसी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो थर्ड टीचर है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कोई अध्यापक जो लेवल थर्ड में यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, उसको यहाँ पे सेकेंड ग्रेड बना दिया जाए, मतलब प्रमोशन के आधार पर दोस्तों यहाँ पे पदोन्नति कर दिया जाए, या बोले प्रमोशन कर दिया जाए, उसको यहाँ पे सेकेंड ग्रेड बना दिया जाए, या कोई जो अध्यापक है सेकेंड ग्रेड है उसको क्या पदोन्नति या दोस्तों प्रमोशन करके क्या बना दिया जाए, फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है वो यहाँ पे बना दिया जाए। इस प्रकार उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डीपीसी कहा जाता है। आपको पता है दोस्तों कि हर बार यहाँ पे डीपीसी होती है, हर साल के साल डीपीसी होती है, लेकिन 4 साल से दोस्तों इसमें यहाँ पे डीपीसी राजस्थान में नहीं हुई है, जिस कारण से जो काफी सारे अध्यापक थे जिनका दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुआ है दोस्तों, वो प्रमोशन की बात जो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से यहाँ पे शिक्षा विभाग में पिछले 4 सत्र से डीपीसी बकाया चल रही है, जिसमें कई स्कूलों में व्याख्याताओं के पद रिक्त होने के कारण शिक्षण प्रभावित हो रहा है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता बनने का सपना देख रहे शिक्षकों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब प्रमुख शासन सचिव ने 31 अगस्त तक सभी बकाया डीपीसी पूर्ण करने के यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए, मतलब दोस्तों यहाँ पे 31 अगस्त 2024 की बात कर लेते हैं, तो तब तक यहाँ पे दोस्तों सभी जो डीपीसी है पूर्ण करने का आदेश यहाँ पे दिया गया है प्रमुख शासन सचिव के द्वारा। दोस्तों वैकेंसी टोटल वैकेंसी की जैसे अनुमान लगाते हैं 100 वैकेंसी है, तो जिसमें से 50% दोस्तों यहाँ पे 50% किसके माध्यम से यहाँ पे डीपीसी या कह सकते हैं कि प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती है, और 50% जो वैकेंसी है तो वो दोस्तों यहाँ पे सीधी भर्ती के तहत यहाँ पे दोस्तों भरी जाती है। इस प्रकार हम यहाँ पे पदों का वर्गीकरण देखने वाले हैं, कितने पदों पर दोस्तों वैकेंसी आ सकती है, और 1 जुलाई 2024 तक का नवीनतम जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने पद यहाँ पे रिक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट तक बने रहे, यहाँ पे हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की स्थिति दोस्तों, ये 1 जुलाई 2024 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। पद नाम की बात कर लेते हैं और साथ ही रिक्त पदों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये प्राचार्य होगी, उप प्राचार्य दोस्तों, इनके यहाँ पे दोस्तों प्रमोशन के आधार पर यहाँ पे जो है फिल किया जाता है, जैसे जो व्याख्याता है वो यहाँ पे उप प्राचार्य बनाए जाएंगे, और जो उप प्राचार्य है दोस्तों उनको यहाँ पे प्राचार्य बनाया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं व्याख्याता पदों की, तो व्याख्याता पद दोस्तों यहाँ पे टोटल व्याख्याता पदों की बात कर लेते हैं 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग। दोस्तों डाटा कब का है, 1 जुलाई 2024 का डाटा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12,886 क्या है व्याख्याता के पद यहाँ पे रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पता है यहाँ पे 50% पदों पर डीपीसी रहने वाली है और 50% पदों पर यहाँ पे सीधी भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। इस प्रकार व्याख्याता के दोस्तों यहाँ पे 6 से 7 हजार दोस्तों यहाँ पे 6 हजार से 7 हजार पदों पर यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी की घोषणा 2024 में यहाँ पे की जा सकती है। दोस्तों नवीनतम जो भर्ती है 2024 में 6 से 7 हजार व्याख्याता पदों की यहाँ पे रह सकती है। जब भी बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक की, तो वरिष्ठ अध्यापक में 25,396 यहाँ पे पद रिक्त हैं जिनका डीपीसी के माध्यम से यही प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है, 50% डीपीसी के माध्यम से और 50% दोस्तों यहाँ पे सीधी भर्ती के तहत। इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों लगभग 12,000 पदों पर यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी की घोषणा हो सकती है। 10,000 से लेके 12,000 लगभग दोस्तों यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक के 10,000 से लेके 12,000 पदों पर यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी की घोषणा हो सकती है। इसी प्रकार अध्यापक की बात करते हैं तो आपको पता है कि अध्यापक से नीचे ले कोई सा भी लेवल नहीं होता दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता, व्याख्याता से उपराचार्य और उपराचार्य से प्राचार्य पदों पर इस प्रकार से यहाँ पे पदोन्नति और दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी की घोषणा होती है। तो अध्यापक लेवल में दोस्तों यहाँ पे 23,280 पद हैं जिनमें टोटल दोस्तों 23,000 पदों पर यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी की यहाँ पे घोषणा की जा सकती है। जिसमें बात कर लेते हैं लेवल वन दोस्तों यहाँ पे, लेवल वन और लेवल टू दोनों पदों की यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी की यहाँ पे घोषणा की जाएगी दोस्तों। 23,000 लगभग दोस्तों यहाँ पे 23,000 या 20,000 के 20,000 से लेके यहाँ पे 23,000 पदों पर वैकेंसी की घोषणा हो सकती है दोस्तों। तो आपको पता ही 1 जुलाई 2024 का नवीनतम डाटा है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी दोस्तों। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो रिक्त पद है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। तो व्याख्याता पदों की 6 से 7 हजार पदों पर और वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो लगभग 10,000 से 12,000 पदों पर दोस्तों वैकेंसी की घोषणा हो सकती है। और जो अध्यापक लेवल है उनके 20,000 से 23,000 लेवल वन और लेवल टू दोनों लेवल में दोस्तों यहाँ पे टोटल पदों का वर्गीकरण दे रखा है 23,280, तो लगभग 20 से 23,000 के समथिंग यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी की घोषणा हो सकती है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता दोस्तों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक लेवल वन और लेवल टू के संबंधित पदों का वर्गीकरण और वैकेंसियों की घोषणा की हमने बात की। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाली जो भी अगली वीडियो में सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम जो सूचनाएं हैं उनसे यहाँ पे दोस्तों अपडेट रह सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।